प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 7 वाणिज्य गणित। इकाई 7 वाणिज्य गणित कर। देखिए इसमें एक माताश्री है जो बात करें, सुनो तुम मेरे लिए गहने बनवा दो। अरे मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, इस महीने मुझे आयकर जमा करना है। अब आयकर क्या होता है? किसी राष्ट्र द्वारा अपनी धन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए धन संग्रह व्यवस्था को कर व्यवस्था कहते हैं। कर क्या होता है? टैक्स 3 टाइप के होते हैं। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर जो व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष कर जो व्यक्ति को सीधा प्रभावित नहीं करता। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST अप्रत्यक्ष कर का ही एक रूप है। प्रत्यक्ष कर क्या क्या होते हैं? आयकर, उपहार कर और संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? उत्पाद कर और सेवा कर, यानी जो यहाँ पे भी है वस्तु GST में उत्पाद एवं सेवा कर। इसकी दर क्या है? 5%, 12%, 18% और 28%। आयकर की दर क्या है? वार्षिक आय अगर 2.5 लाख तक है तो 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पर 30%। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सरकार द्वारा धन संग्रह की व्यवस्था को कर व्यवस्था कहते हैं। कर के 2 प्रमुख प्रकार प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर होते हैं। 5 लाख तक वार्षिक आय पर आयकर की दर 5% है। वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। वार्षिक आय और आयकर की दर मिलान कीजिए, तो यहाँ पे हमें मिलान करना है 2 लाख 2.5 लाख तक 0, 2 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पे 30%। फिर कह रहा है क और ख में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का मिलान कीजिए। तो प्रत्यक्ष कर है आयकर और संपत्ति कर, अप्रत्यक्ष कर है सेवा कर और उत्पाद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आनंद की वार्षिक कुल आय 6,50,000 है, यदि 2.5 लाख तक आय आयकर से मुक्त है तो बताइए आनंद द्वारा देय आयकर कितना होगा। तो जिस पर कर देना है 6,50,000, तो 2.5 लाख पर कर 0, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% यानी 12,500 और 5 लाख से 6,50,000 यानी 1.5 लाख पर 20% यानी 30,000। टोटल जोड़ लेंगे तो 42,500 रुपये उसको आयकर देना होगा। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 15,000 है, उसे 12% की दर से GST देना है, तो श्याम को टेलीविजन क्रय करने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो अंकित मूल्य 15,000, GST है 12%, तो दे GST हो जाएगी 15,000 का 12%, यानी 15,000 × 12/100 यानी 1800। तो देय मूल्य हो जाएगा 15,000 + 1800 = 16,800 रुपये।